नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोडा, लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश हम तो बोलेंगे। आज हमारी खास पेशकश मुद्दा है, दुनिया के उभरते बाजारों की लिस्ट में तीसरे पायदान पर पहुंचा भारत। जी हाँ, वीशेप रिकवरी की ओर बढ़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये अच्छी खबर है। भारत ने जनवरी 5 पायदानों के चढ़ाव को पार करते हुए इमर्जिंग मार्केट की सूची में तीसरा स्थान हासिल किया है। बढ़ते एक्सपोर्ट, गिरती महंगाई व उत्पादन गतिविधियों में आई जोरदार बढ़त ने जनवरी में भारत की रैंकिंग में जोरदार इजाफा किया है। हालांकि भारत अभी भी पड़ोसी देश चीन से 2 पायदान नीचे है। जनवरी में भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट सालाना आधार पर 6.2% की बढ़त के साथ $27.45 अरब रहा है। जनवरी में लगातार दूसरे महीने एक्सपोर्ट बढ़त देखने को मिली है। जापानी वित्तीय होल्डिंग कंपनी नोमुरा ने अपने नोट में भारत के प्रोविजन एक्सपोर्ट आंकड़ों के आधार पर कहा है कि जनवरी में देश का एक्सपोर्ट ग्लोबल ट्रेड के अनुरूप रहा है। वॉल्यूम में बढ़त के साथ ही देश के एक्सपोर्ट को कमोडिटी और इनपुट कीमतों में ग्लोबल स्तर पर हो रही बढ़ोतरी का भी फायदा मिला है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई उच्च स्तर पर। जनवरी में उत्पादन, बिक्री व एक्सपोर्ट में तेजी से आई ग्रोथ के चलते भारत की मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जनवरी में 3 महीनों के उच्चतम स्तर 57.7 पर पहुंची, जो उभरते बाजार में सबसे बेहतर है। स्टॉक मार्केट में कैपिटलाइजेशन भी बढ़ा। विकास दर में इजाफे की उम्मीद से देश के वित्तीय बाजार में भी उछाल आया। जनवरी में भारत का स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन दिसंबर की तुलना में 6% बढ़ा। सिर्फ तुर्की 11.1% व चीन 7% ने ही इस सेक्टर में हमसे अच्छा प्रदर्शन किया। महंगाई में गिरावट। महंगाई के आंकड़ों में गिरावट की वजह से भी भारत को इमर्जिंग मार्केट लिस्ट के ऊपरी पायदान में स्थान हासिल करने की सहायता मिली। खाने पीने की चीजों की महंगाई दर घटकर 1.9% आने से देश की महंगाई घटकर 4% आ गई। हालांकि कोर महंगाई दरें ऊंचे स्तर पर है। एक अंग्रेजी अखबार ने यह ट्रैकर गत साल दिसंबर में लॉन्च किया था। इसमें इमर्जिंग मार्केट की इकोनॉमिक की हेल्थ के जांचने के लिए 7 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जैसे पीएमआई, रियल जीडीपी ग्रोथ, मुद्रा विनिमय दर के उतार चढ़ाव व स्टॉक मार्केट के कैपिटलाइजेशन आदि उपयोग होते हैं। इसमें 10 बड़े इमर्जिंग मार्केट्स शामिल होते हैं। इसमें उभरते बाजारों की तुलना में देश के बाजार की हेल्थ पता चलती है। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।